कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रही थी। उसका नाम रूझा था। दरअसल उसकी बेटी अपनी आंखों को खोने वाली थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उसकी आंखों के इलाज कराने के लिए। रूझा एक विडो वोमेन थी। उसकी बेटी और रूझा घर में अकेले रहा किया करते थे। तभी एक रात रूझा सो रही होती है, तभी गेट पर कोई नॉक करता है। रूझा जैसे ही गेट खोलने के लिए जाती है, वो देखती है कि गेट के बाहर कोई खड़ा है। वो एक बूढ़ा इंसान था। वो रूझा को कहता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और शायद अब तुम्हें किसी जरूरी काम से मेरे साथ थाईलैंड चलना होगा। जिसके बाद रूझा बहुत शांति से बैठकर सोचती है और अगले सीन में अपने बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है जहां उसके पापा के दोस्त उसे ले जाना चाहते थे। वो रूझा का बचपन का घर था जहां वो आज अपनी बेटी को लेकर आई थी। वहां एक दाई माँ भी मिलती है। वो कहती है कि मैं रूझा का ख्याल रखूंगी। तभी उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा लाइब्रेरी। तभी रूझा यहाँ पर अपनी बेटी को समझाती है और कहती है बदमाशी बिल्कुल भी मत करना। वो अपने दाई के हवाले रूझा को कर अंकल के साथ लाइब्रेरी चली जाती है। रूझा पता नहीं जाने के वक्त वहीं पर खड़ी हो गई थी और लाइब्रेरी को दूर से देखकर ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन फिर अंकल दोबारा आवाज देते हैं तो रूझा लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। रूझा जैसे ही वहां पर जाती है, वो घबराने लगती है उस पेंटिंग्स को देखकर। वहां पर दो पेंटिंग रखे हुए थे जिनमें एक ही औरत थी। वो रूझा को बताता है कि ये पेंटिंग को बेचने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। एक बहुत बड़े बिलियनर ने इस पेंटिंग को बहुत अच्छी दामों में खरीदने की मांग की है, लेकिन इस पेंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पेंटिंग जहाँ पहले थी वहाँ के लोगों ने सुसाइड कर ली थी। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने भी इसी कमरे में अपने आप को फांसी लगाकर यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम रूझा की बेटी को देखते हैं कि उसे कोई लाल स्कार्फ पहना देता है। वो घर में अकेली होती है। तभी वहाँ पर दाई माँ आ जाती हैं और दाई माँ उससे पूछते हैं कि ये लाल स्कार्फ तुम्हें किसने दिया। वो कहती है रेचल कहती है कि आप ही ने तो पहनाया। वो उससे ले लेती है, जिसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं कि रूझा उसे कहती है कि हमने आपको परमिशन दिया, इस पेंटिंग के साथ जो करना है करिए। इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उस दाई माँ को आधी रात में कहीं जाते हुए देखते हैं। वो वही लाल स्कार्फ एक घर के सीढ़ी पे जाकर बांध देती है और फिर वहाँ पर उन लोगों से माफी मांगती है। वो किसी स्पिरिट से बात कर रही थी। तभी वो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे डराने लगती है। तभी उसके पैर को उसी लाल स्कार्फ से बांध दिया जाता है। अगली सीन में रूझा जब अपने बिस्तर से उठती है तो उसे पता चलता है कि रेचल यानी उसकी बेटी गायब है। वो दाई माँ को आकर बताती है। दाई माँ उस घर के पास रात को गई थी और आज सुबह रूझा की बेटी रेचल गायब हो गई थी। तभी रूझा जंगल के भीतर भी चली जाती है और वहीं पर दाई माँ भी होती है। तभी दाई माँ कहती है कि मैं उस तरफ देखती हूँ और आप कहीं और ढूंढिए। इतना हो ही रहा था तभी अगली सीन में हम देखते हैं कि एक इंसान रूझा की बेटी को अपने पीठ पर बैठा कर घूम रहा है। तभी उसकी बेटी मिल जाती है। वो इंसान कहता है कि मेरा नाम टैम है और मैं पेंटिंग को ठीक करने के लिए आया हूँ। तभी रूझा रेचल से पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। वो कहती है कि मैं लाल स्कार्फ वाली आंटी के साथ गई थी। अगली सीन में हम देखते हैं टैम उस पेंटिंग को लाइब्रेरी में देखने के लिए आता है। टैम ने इस तरीके की पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से टैम थोड़ा सा हिप्नोटाइज भी होने लगा था उन पेंटिंग को देख के। इसके बारे में बताने के लिए वो रूझा को जबरदस्ती उस लैब में लेकर आता है। रूझा वहां नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके लाता है और पेंटिंग के बारे में बताता है। उन दोनों पेंटिंग में बनी हुई स्त्री के आंखों पर दरारें थीं और ऐसा दोनों पेंटिंग्स के साथ था। रूझा उस पेंटिंग्स को देखकर हमेशा घबराया क्या करती थी। वो उसे बहुत ज्यादा डरावना लगता था। तभी टैम भी उससे सेम बात करता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि इस पेंटिंग को देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैम वहां पर उस पेंटिंग में कुछ कर रहा होता है। तभी उस पेंटिंग में एक और आंख मिलती है जो उसी पेंटिंग में पेंट से ढकी हुई थी और वो उस बनी हुई स्त्री को देख रही थी। रूझा ये देखकर और घबरा जाती है और उसे कहती है कि ये जैसा था पहले जैसा इसे कर दिया जाए और मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे इस पेंटिंग को नहीं देखना दोबारा। वो पेंटिंग रूझा को भी हिप्नोटाइज करती थी, बल्कि उसकी आंखें रूझा को फॉलो किया करती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम रेचल को कमरे में अकेले बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर रूझा अभी अभी लाइब्रेरी से वापस आई थी। वो उससे कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी रेचल कहती है कि बेड के नीचे कोई है। रूझा अपनी बेटी का ये बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो चेक करने के लिए बेड के नीचे घुसती है।
थोड़ी देर में रोजा को एक पैर ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है और रूम की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद रोजा देखती है कि एक बहुत डरावनी किस्म की औरत उसकी बेटी को पकड़कर उसकी आंखें निकाल ली है और उसकी बेटी चिल्ला रही है। वो औरत जो भी थी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बेटी को मारना चाहती है। ये सीन होने के बाद रोजा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपनी बेटी को सही सलामत पाती है, फिर वहाँ से लेकर रेचल को भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर टैम उसे आकर रोकता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चलूँगा, अभी बारिश हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर रोजा उसे कहती है कि अब चलो, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। टैम रोजा को कहता है कि जाने से पहले एक बार मैं तुम्हें पेंटिंग को दिखाना चाहता हूँ। रोजा अपने बेटी को उस कमरे में बैठाती है लेकिन उसे पेंटिंग देखने के लिए मना करती है, जिसके बाद वो पेंटिंग देखने के लिए जाती है और यहाँ पर उस पेंटिंग में एक और चेहरा बना हुआ था। तभी रोजा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। वो टैम कहता है कि ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है, तुम चाहती हो कि इसके और भी पैसे मिलें तो हमें इसे डिस्कवर करना होगा। रोजा वहां पर से अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है और कहती है कि मुझे अभी यहां से निकलना है। तभी टैम उसे छोड़ने के लिए साथ में चलता है, लेकिन अचानक से रोजा अपने पीछे देखती है कि उसकी बेटी रेचल गाड़ी के अंदर से गायब हो गई है। रोजा और टैम दोनों लोग जंगल के भीतर घुस जाते हैं और रेचल को बहुत दूर तक ढूंढते हैं। तभी रोजा उस घर में चली आती है जहाँ पर वो दाई माँ ने लाल स्कार्फ कपड़ा बांधा था और वहीं पर उस घर के पीछे वो दाई उसकी बेटी को लेकर खड़ी थी और कुआं में फेंकने जा रही थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ, वो कहती है कि मुझे इसे यहाँ फेंकना ही होगा। रोजा उसे रुकने के लिए कहती है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी है। रोजा उसे अपने बातों में उलझाए रहती है। तभी टैम पीछे से आकर उसे सर पर मारता है और वो कुआं में गिर जाती है और रेचल बच जाती है। रेचल को वो वापस उस कमरे में लेकर आती है और इस बार एक नाइफ उठाकर उस पेंटिंग को फाड़ने की कोशिश करती है। तभी टैम उसे रोक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं रेचल बहुत डरावनी आवाज में कुछ बोलती है। रोजा घबरा जाती है, वो बोलती है कि तुम ऐसा क्या बोल रही हो और ये तुम्हारी आवाज नहीं है। तभी रेचल आराम से पीछे पीछे मुड़ती है। रेचल अब पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुकी थी, ये देखकर रोजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में उस पेंटिंग के पीछे जितनी भी सच्चाई थी पूरा फट कर बाहर आ जाता है और तभी उसकी बेटी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसकी बेटी उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। तभी टैम उसे पीछे से बचाने की कोशिश करता है। उसकी बेटी पोसेस्ड थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। तभी उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। वो दोनों देखते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर एक बड़ा राज निकल के आया। वो पेंटिंग अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस पेंटिंग में एक औरत सुसाइड कर रही थी जिसके नीचे एक बच्चा उसका तड़प रहा था। दूसरी पेंटिंग में एक औरत बैठी थी जिसके इधर गिद्र ढेर सारे मर्द थे। इन सब के बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और जैसे ही उसके अंकल वहाँ पर आते हैं एक अजीब चीज़ होती है कि टैम अचानक से पीछे से आकर हमला कर देता है और दोनों लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है रोजा के बचपन की, जब वो इसी घर को एक खिड़की से बाहर से देख रही थी जब वो छोटी थी। उस घर के अंदर एक पागल आर्टिस्ट रहा करता था जिसकी बीवी उसे कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारा दिल भी जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो आर्टिस्ट उसे बिल्कुल नहीं चाहता था। वो आर्टिस्ट उसे कमरे में हाथ पैर बांध कर बैठाता है और अपने दोस्तों को वहां पर बुला लेता है, जिसके बाद वैसे ही वो उसकी पेंटिंग बनाता है। इस औरत के आसपास जो भी बैठे हुए थे उनमें से एक वही अंकल था जो कि रोजा के बाप का दोस्त था और वो टैम उसी माँ का बेटा था जो कि अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए उस वक्त कहता है। उसके बाद उसे मार देता है वहीं पर। रोजा ये देख लेती है और समझ जाती है कि ये वही टैम है जिसका बचपन में मैं दोस्त हुआ करती थी। दरअसल टैम जब छोटा था तो रोजा उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। ये दोनों बचपन में एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। टैम का बाप वही आर्टिस्ट था जिसने उसकी माँ को मारा था, लेकिन रोजा जब छोटी थी तो उसकी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि वो टैम के साथ टाइम स्पेंड किया करे। वो उन लोगों से दूर रहने के लिए कहती थी और यही रोजा आज बड़ी हो चुकी थी। और ये वही सीन था जहाँ पर टैम के साथ आखिरी बार उसकी पेंटिंग बनाने के लिए उसकी जान ले ली गई थी। उस वक्त वो आर्टिस्ट उसकी माँ को पूरी तरीके से बांध कर उसी कमरे में फांसी लगाकर लटका दिया था और जब तक उसकी माँ मर रही थी दम घुट घुट कर, तब तक वो आर्टिस्ट ड्राइंग बना रहा था।
वो बहुत सनकी और हैवान किस्म का आर्टिस्ट था और वहीं पर रूजा खिड़की से बाहर जब छोटी थी तो देख रही थी। और तभी टैम अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पैर को पकड़कर चिल्लाता है और रूजा बाहर से आकर देखती रहती है। रूजा बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी और वहाँ से भाग जाती है। उसी का सजा आज टैम रूजा को दे रहा होता है। टैम रूजा को कहता है कि तुम चाहती तो मेरी माँ को बचा सकती थी, लेकिन तुम वहाँ से भाग गई और आज मैं तुम्हारी बेटी को फांसी लगाऊंगा ताकि तुम ये जान सको कि अपनों का दर्द कैसा होता है। तभी वो बैग में से कुछ निकाल रहा था और उसके हाथ में एक सांप काट लेता है जो कि उसी बैग के अंदर किसी ने डाल दिया था। तभी रूजा को मौका मिल जाता है अपने आप को छुड़ाने का। वहीं पे एक चाकू रखा होता है। रूजा किसी तरीके से अपने आप को आज़ाद कर लेती है, लेकिन टैम तभी उसे मारने लगता है और रूजा किसी तरीके से वही चाकू उसके जांग में ढोस देती है। और जब तक कि टैम अपने आप को संभाल पाता, रूजा एक पेंटिंग उठाकर उसके ऊपर मार देती है जो कि टैम वहां पर फंस जाता है। फिर सारी पेंटिंग रूजा उसके ऊपर गिरा देती है। टैम थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। रूजा वहां पर उसे आग लगाकर मार देती है। पेंटिंग के साथ साथ टैम भी जल जाता है और जल्दी से रूजा अपनी बेटी को लेकर वहां से जल्दी भाग जाती है। और अगली सीन में हम देखते हैं पेंटिंग के अंदर की आत्मा अभी भी जिंदा थी। इसका मतलब कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।